सुनील है सर, मैं हैदराबाद कर्नाटक से। हाय, मेरा नाम तेजस्विनी मेशराम है और मैं उड़ीसा से हूँ। हेलो सर, मेरा नाम अरुण है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा है, मैं सर यूपी में बहराइच जिले से हूँ। ओके सर, मेरा नाम शैलेश विश्वकर्मा है, मैं बोरीवली से हूँ, मुंबई से। हाय सर, मेरा नाम विकर्मा कुमार है, मैं बिहार से हूँ, बिहार में डुमराम से हूँ सर। सर मेरा नाम राजलामा एंड मैं मार्गरेटा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम से। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहूँगा कि सीजिन सर के जो सिखाने का तरीका ना, मतलब मैं डांस करता था, मैं यहाँ पे जब मैं आया ना, मतलब एज अ विगनर था, मतलब ज़्यादा डांस मैंने छोटे मोटे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे वहीं पे सीखता था। यहाँ आने के बाद ना पता चला कि डांस होता क्या है, और जब यहाँ पे आया मैं नीचे देखता था, थोड़ा नर्वस फील करता था लोगों के साथ में, तो सीजन सर बार बार चिल्लाते थे, मतलब बोलते भी थे, समझा बहुत अच्छे से समझाते भी थे कि सुनील नीचे देख के डांस नहीं करना, अपने आप को देखो, तुम्हें कहाँ ग्रो करना है, क्या चीज़। तो मतलब वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और प्रॉपर ब्रेक डाउन करके बताना ये आइडल्स का, मतलब मुझे लगता है ना कि सबसे अच्छी चीज़ ये चीज़। सर अगर बात की जाए ना कि 10 में से अपने आप को कितना देना है, तो मैं 10 में से 9 दूंगा सर, 1% नहीं दूंगा क्योंकि अभी कहीं ना कहीं मैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, बट 9% मैं अपने आप को दूंगा क्योंकि आइडल्स में आने के बाद जो ग्रो हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी देखा था, बहुत से मेरे को वीडियोस और पोस्ट आए थे, मैंने रिसर्च किया था कि मुझे अब एक डांस स्टूडियो चाहिए जहाँ पे मेरे को एवरीथिंग सब कुछ सीखने मिले। तो आई केम अक्रॉस आइडल्स, तो मैंने देखा कि वहाँ पे डांसर्स को इंडिपेंडेंट कैसे बनना है वो सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, और ड्यूअल कोर्स के इस तरीके से मुझे सब समझ में आने लगा कि ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है जो मैं सीख सकती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ओके सर, सर वैसे तो मेरे 3 स्टाइल अभी ख़त्म हो गए हैं, हिप हॉप, क्रम्प और लॉकिंग, और अभी मेरा पॉपिंग चल रहा है, जो कि मैंने हिप हॉप मैंने पहले भी कर रखा है, तो मुझे उस चीज़ में और इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है, अपनी बॉडी की स्टाइलिंग कैसे लानी है, वो सब सीखने मिला। क्रम्प में मैंने क्रम्प उतना नहीं किया था, बट स्टिल मुझे यहाँ पे बेसिक टू एडवांस किस तरीके से क्रम्प करना है, उसके नॉलेज, उसके हिस्ट्री, उस सब के बारे में पता चला, जो कि मेरे बॉडी के अंदर स्टिफनेस ज़्यादा नहीं थी, बट आई कैन सी अब कि मैं वो सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। इवन लॉकिंग में भी किस तरीके से पॉस्चर्स मेंटेन किए जाते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल वो मेरी बॉडी में मैं अभी खुद देख पाती हूँ। सर फर्स्टली मैं शिजिन सर के बारे में बताऊँगी, उनसे मैंने हिप हॉप सीखा है, सो मैं कह सकती हूँ कि वो छोटी सी छोटी डिटेल्स को ब्रेक डाउन करके बताते हैं, मेरी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स थी, मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही थी, इफ़ मेरा वो परफेक्ट नहीं हो रहा है, वो तब तक सारी चीज़ें ड्रिल करते हैं, वो सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करके बताते हैं, और मैं कह सकती हूँ कि मैंने पास्ट में इतने डिटेलिंग में सारी चीज़ें नहीं सीखी थी, जो कि मुझे यहाँ पर वो एक कोर्स करने में ही मिल रही है। सो शिजिन सर का वे बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है वो बताने का, वो बहुत अच्छे से फर्स्टली इंटरप्रिटेशन करते हैं कि कैसे म्यूजिकलिटी होती है, किस बीट पे करना है, किस लिरिक्स को पकड़ना है, तो वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। सर मेरे क्रम के सेशन जो कि किला चौक सर ने किया था, वो भी बहुत फ्रेंडली है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताते हैं, उन्होंने हमको सारी चीज़ें बताई जिस तरीके से क्रम किया जाता है, जैसे बोला जाता है बहुत एग्रेसिव है, वो उन्होंने बताया कि नहीं, इफ़ तुम उसको फील करके करोगे तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्रम तुम कभी भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर से वो सारी फीलिंग्स आती है। उन्होंने सारी चीज़ें हमको इतने ईजिली बताई कि अब वो क्रम हार्ड नहीं लगता देखने में, अब वो हम भी जब भी करते हैं तो वी फील लाइक कि हाँ हम भी क्रम कर सकते हैं अच्छे से। और सर लॉकिंग भी हमारा शिजिन सर ने ही लिया था, उसमें भी उनकी यूनिकनेस सब दिखाई दे रही थी, उन्होंने फिर से हमें हर एक चीज़ ब्रेक डाउन करके बताई, और जिस तरीके से वो बताते हैं वो बहुत ईजिली होता है ग्रास्प करने के लिए और अडाप्ट करने के लिए, तो वो जब भी हम करते हैं सर हमारी छोटी से छोटी चीज़ों को बताते हैं कि इस तरीके से किया जाता है, और उसको और प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि हम और ज़्यादा उस पर परफेक्ट बन सकें। ओके सो सर, मैं पहले भी आइडल्स के साथ मतलब जुड़ा हुआ था एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट, सो मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता था, बट कहीं ना कहीं मैं डांस कर रहा था बट एंजॉय नहीं कर पा रहा था वो चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे आपको एक पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता, एक पर्सनल फीडबैक नहीं मिल पाता। सो मैंने कोशिश कर रही थी कि मैं ट्राई करूँ, और मेरे को एक सही टाइम मिला, और मैंने फ्रेंड के साथ मैंने ये वाला इंस्टीट्यूट ज्वाइन इंक्वायरी किया के। सो इसी तरह मैंने आइडल्स के बहुत सारे वीडियोज़ देखे हुए थे, फीडबैक्स के, परफॉर्मेंस के, कैसे सिखाए जाते, सो मुझे एक आइडिया आ गया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, स्टूडेंट्स पे नॉट ओनली डांस बट ओवरऑल पर्सनैलिटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। सो वही चीज़ मुझे चाहिए थी कि मुझे सिर्फ डांस नहीं सीखना था, मुझे ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए था मेरे स्किल्स में, मेरे डांसिंग में, मेरे पर्सनैलिटी में। सो वही चीज़ मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था, और आइडल्स वो टाइम पे मेरे को एक बेस्ट इंस्टीट्यूट मिला जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें सीख सकता, एंड मैंने वहाँ पे इंक्वायरी की और मुझे वो सारी चीज़ें मिली जो मुझे चाहिए थी। ओके सो मास्टर क्लास का मेरे एक्सपेक्टेशंस पहले से ही हाई थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि होते ही है कि इंस्ट्रक्टर्स ही ऐसे हैं। सो कार्तिक सर के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हुए थे।
थे कार्तिक प्रियदर्शनी के, सो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे। आज पहला उनका था, बहुत एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, बट उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं। हाँ थोड़ा सा डीमोटिवेट हूँ उस चीज़ों में, क्योंकि शायद जिस तरीके से उन्हें सिखाया था वो नहीं कर पाए, लेकिन वही ना कहीं उन्होंने एक मोटिवेशन भी देख दिया कि लाइक तुम करो, मतलब चीज़ें होती रहेंगी, डीमोटिवेशन आता रहेगा, बट दैट्स हाउ यू ग्रो। सो ये सारे मास्टर क्लास, मतलब ये पहले मेरे ऐसे फैकल्टी है जो मैं उनसे सीख रहा हूँ, नहीं तो सबसे मैंने ऑनलाइन ही सीखा हुआ है। सो इट्स माय फर्स्ट, सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने जैसा बोला था आपको पहले भी कि एक पर्सनल आपको फीडबैक मिलता है, वही चीज़ का मैं वेट कर रहा था और वही सारी चीज़ें हो रही है जिसका मैं वेट कर रहा था, और वही सारी चीज़ें मुझे आइडल्स में मिल रही है। सर मेरे लाइफ का यही गोल है कि मुझे जिधर से भी नॉलेज लेना है कि लाइक बिकॉज नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सो मैंने आइडल्स नॉलेज के लिए ही लिया, क्योंकि डांस भी ऐसा फील्ड है कि लाइक अगर नॉलेज नहीं हुआ तो बीच में जाके कोई ना कोई एक टाइम में वो रुक ही जाएगा, तो मुझे नॉलेज के लिए ही इधर आना था। तो मैं अभी मेरे को इतना नॉलेज मिल गया कि मैं क्या ही बोलूँ। और सर उसके अलावा भी नॉलेज मिल रहा है, लाइक मैंने प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सुना था, बट इधर आके मेरे को मार्केटिंग के बारे में भी नॉलेज लग रहा है, और वीडियो एडिटिंग में भी अभी सिखाने का बात है। तो बहुत सारा नॉलेज, लाइक हमें इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करना है एंड फेसबुक कैसे यूज़ करना है एंड कॉन्टेंट कैसे बनाए, सब ये सब का नॉलेज दे रहा है सर। PADP के बारे में सर ऐसा है कि लाइक मैं पहले कोरियोग्राफी करता था अपने कोरियोग्राफी, बट मैं कहीं ना कहीं जाके मैं स्टॉप हो जाता था। तो अभी मैं PADP करके अभी ऐसा हो रहा है कि लाइक मैं कोई भी स्टेप कर रहा हूँ तो मुझे सर लोग मुझे अपने स्टाइल में कैसे करना है वो भी सिखाया, तो विच विल हेल्प मी इन फ्यूचर। सर आज का मास्टर क्लास बहुत अच्छा था कि लाइक जैसे कि लाइक वर्ल्ड चैम्पियन सर है, तो उनका डांस करने का स्टाइल कैसे है तो वो हमें पता चला, और अपना सेल्फ कोरियोग्राफी कैसे करना है सर ने वो भी हमें बताया, सो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सर स्टार्ट से लेके अभी तक मैं अपने ऊपर 10th में 8 देना चाहूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारा ट्रेनिंग जोन है, तो इसके बाद कोर्स ख़त्म होने के बाद हम लोग कितने प्रैक्टिस करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि हमने कितना ग्रोथ किया। ओके सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं बताऊँगा कि जो कोर्सेज है वहाँ पर भी दिए गए हैं, अगर आप देखोगे सो सब वेविंग के हैं, पॉपिंग के, वो सब सारी चीज़ों के दिए हुए हैं, बट कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं ना, अगर आप गलत भी करोगे तो आपको कोई बताने वाला है नहीं आपके आसपास, आप खुद ही हो अपने आप को जज करने वाले। तो इफ़ आप उतना आपका फीडबैक स्ट्रांग है कि आप खुद को उतना अच्छा फीडबैक दे सकते हो तो ठीक है, वरना मैंने कहा पहले भी कि मुझे सिर्फ डांस नहीं सीखना था, मुझे ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, लाइक पॉस्चर्स कैसे होने चाहिए, तुमको एक्सप्रेशन, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा डांसिंग, सिर्फ डांसिंग मैटर नहीं करता है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी कि डांस करने से कुछ नहीं होगा, डांस ओवरऑल चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, वो इमोशंस होनी चाहिए, वो मूवमेंट, पॉस्चर्स, तो सिर्फ डांस नहीं मैटर करता है। सो एक वही चीज़ है कि आपको PADP अगर मतलब आपको अगर अच्छा बनना है तो आपको एक ऑफलाइन गाइडेंस चाहिए, और मैं देखता हूँ कि आइडल से अच्छा शायद ही कोई दे पाएगा ये चीज़। आइडल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट तो हर एक स्टूडेंट को सिखाते, बहुत अच्छे से सिखाते, हर एक स्टूडेंट के ऊपर क्या ध्यान देते हैं, एकदम प्रॉपर तरीका ध्यान देते हैं, और उस स्टूडेंट को अगर कहीं पे भी हो, एक ग्रुप में कहीं पे भी हो, कहाँ पे भी स्टूडियो में खड़ा हो, तो फिर सर जाके वहाँ पे स्पेशली उस स्टूडेंट को सिखाते हैं। अगर वो स्टूडेंट किधर भी अटक गया तो पर्सनली जाके, मतलब वो बंदे के पास जाके भी सिखाते हैं, वो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। सर मैं इससे पहले तो डांस करता था लेकिन उतना प्रॉपर नहीं करता था जो कि यहाँ पे आके सीखा हूँ मैं, जो कि यहाँ के स्टाइल्स भी मैं ज़्यादा सुना नहीं था, तो फिर वो स्टाइल्स को देख के, मतलब उस सारे स्टाइल्स को मैं इससे पहले भी नहीं सुना था, लेकिन सुनने के बाद यहाँ पे आने के बाद, जैसे कि मेरे को इसके बारे में मेरा फ्रेंड सुनील के इधर से पता चला है, जैसे कि सोशल मीडिया से, तो मैं चलो मतलब ऐसे ही जाते करके आया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ और ही हो गया, मतलब जो मेरा डांसिंग स्टाइल है वो ज़्यादा काफ़ी इम्प्रूव हो गया और मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली है। अच्छा था सर, अच्छा लगता था सर कर्नाटक में, बहुत हेल्प हो गया मेरे को, बोले तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट भूल जाते थे कर्नाटक में ज़्यादा, बोले तो अलवर कैसे था, बोले तो नीचे देखे मिरर में देखे, वो ज़्यादा अलवर था देखे, इधर आने पर थोड़ा थोड़ा सीख लिया, थोड़ा पहले भी डर लगता था किधर भी करने के लिए, फिर तो ज़्यादा जने रहता ना सर, बोले तो पब्लिक रहने टाइम में, पब्लिक के सामने करने टाइम तो डर लगता था, अभी वो तो उतना नहीं लग रहा है, अभी कर सकता हूँ
करेगा ऐसा थोड़ा कुछ लग रहा था। बोले तो पहले बोले तो कैसा फिनिशिंग वो पोस्टर वो समझ में नहीं आता था सर, अभी वो पूरा समझ में आ रहा है कैसा करना। वो म्यूजिक के बारे में भी सर बताए थे हमारे किसी दिन से, वो म्यूजिक बोले तो ऐसा नहीं सोचते थे, नॉर्मल सॉन्ग में ऐसा करते जाते थे, अभी कैसा करना बीट पे म्यूजिक में पोस्टर कैसे देना फिनिशिंग कैसे देना वो पूरा इधर बताए, थोड़ा अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सर मैं जब आया था तो मेरे से मतलब मैं काफ़ी नर्वस था, लोगों से बात नहीं कर पा रहा था और स्टेप को मतलब पकड़ नहीं पा रहा था स्टेप कैसे हो रहा है। बट यहाँ मैं आइडल्स में जब आया तो सर मतलब एक एक स्टेप मतलब क्लीन देखने को मिला, बॉडी में स्टाइल देखने को मिला सर, जो कि मेरे से स्टेप जो करते थे मतलब खड़ा खड़ा स्टेप मारते थे, क्लीन अप नहीं था और काफ़ी सारे प्रॉब्लम थी सर जो कि आइडल्स में आकर सोल्व हुआ। सीजन सर का सोल जो टेक्निक है ना सिखाने का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सर, वो हम कहीं भी रहते हैं ना वहाँ आ करके सीख मतलब अच्छा से ब्रेक डाउन करके सिखाते हैं, जहाँ भी उनको लगता है नहीं ये डाउट है तो आके बताते हैं सर। सर आइडल्स के लिए यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि मतलब अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही वैल्यू नॉलेज दे रहा है, तो जितने भी लोग आइडल्स को फॉलो करते हैं या देखते हैं सो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आइए विजिट कीजिए, तो यही है सर।